पहली बात, किसी के भरोसे मत बैठो। दूसरी बात, किसी पर विश्वास करो, सोच समझ कर करो। तीसरी बात, कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं। चौथी बात, तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। पांचवी बात, अपनी कमाई किसी को मत बताओ। छठी बात, तुम किस चीज से दुखी हो तुम स्वयं निर्णय लो। बताने से दुख हल्का नहीं होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। तुम खुद परिवर्तन कर सकते हो, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। सातवीं बात है, आशीर्वाद, दया और दुआ यह तुम्हें काल के मुंह से भी बचा सकती है। आठवीं बात, अपने जीवन में नियम बनाओ, खाने का, नहाने का, सोने का। इंसान के जीवन में खाने का नियम है, सोने का नियम है, बोलने का नियम है, नहाने का भी नियम है। वो इंसान इंसान होता है। जिसके जीवन में कुछ भी नियम नहीं है, जो मिल गया खा लिया, 12 घंटे भी कम है 24 घंटे भी सो लिया, 8 दिन तक नहीं नहाया, वो इंसान क्या है? वो इंसान थोड़ी है, वो तो एक जानवर है। जिसके जीवन में नियम है, समय के साथ साथ परिवर्तन है, वो इंसान होता है। जिसके जीवन में कुछ नियम नहीं है, वो तो पशु पक्षी के समान होता है। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी पनाह नहीं देती है। वह तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर खड़ी रहती है। दुनिया का एक उसूल है साहब, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। संसार को अपने संस्कार से जीता जा सकता है, अपने घमंड से बिल्कुल नहीं। जिंदगी में जो भी चाहो हासिल कर लो, बस इतना सा ध्यान रखना, आपकी मंजिल का रास्ता दिलों को तोड़ते हुए ना गुजरे। आपको जीवन में जो भी करना है कीजिए, लेकिन किसी को दुखी मत करना। कोई अगर बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। अगर जिंदगी में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि गाड़ी वही चलाता है सबकी। परमात्मा से कभी भी मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। बुरे समय में ये मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा और कौन मेरे पास रहेगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वो सरताज बना देता है, अगर परमात्मा रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। ये ईश्वर की लीला है। पक्षी एक एक बार अन्न खाने के लिए सौ सौ बार सर को झुकाता है, और यही इंसान को देख लीजिए, भर पेट खाकर भी कभी भी परमात्मा को धन्यवाद नहीं कहता है।